तो भैया महोबा के बाद दोबारा से अपना पुणे में जो है वो आने का सिस्टम बन गया था, तो मैं आ चुका हूँ यहाँ पर पुणे, और यहाँ हिंजेवाड़ी फेज वन में मैं हो गया हूँ शिफ्ट, और अभी अपने पीजी मेट्स के साथ जा रहा हूँ एक शॉर्ट ट्रिप पे। तो ये हमारे ऋषभ भाई Hello. और ये है साक्षी। तुमने क्या प्रैक्टिस करी थी बताना जरा। नहीं हमने प्रैक्टिस की तो हमने ब्लॉग बनाया। नहीं मेरा नाम, हाँ बता दो। मेरा नाम ऋषभ है, मेरी हाइट 5 फुट 10 इंच है। तो शादी के लिए तुम अपना वो कर रहे हो क्या, कुछ लड़की ढूंढ रहे हो क्या, अपनी हाइट वाइट सब बता। प्रैक्टिस की थी, कैसे मैं इंट्रोड्यूस करूंगा। चलो अपने बाकी के कैंडिडेट्स भी हैं मेरे ख्याल से आज, हैं मुझे पता नहीं था। दो लोग और चल रहे हैं, इसकी रूममेट है, एक अपने रूम के ही पास रहता है लड़का। अच्छा। लड़की का नाम मैं भी नहीं जानता अभी तक। बहुत बढ़िया। तो गाइस हम लोग आज जो है यहाँ पर हिंजेवाड़ी फेज वन में जो शिवाजी चौक है वहाँ से जो महातोबा मंदिर है वहाँ जा रहे हैं, और ये भोलेनाथ का मंदिर है ऐसा हमारे ऋषभ भाई ने बताया। जी हाँ, ये आज से 500 साल पहले महाराज शिवाजी महाराज ने बनवाया था। बस बस बस। वैसे गाइस मैं आपको बता दूं हमारे साथ और भी लोग हैं जो जुड़ चुके हैं, जो कि अपने सुजल भाई, के हाल चाल है भाई। और ये ईशा, इनका भी कोई डोमेन नहीं है। आइए फिर, ये रास्ता है यहाँ से हम लोग निकलेंगे ऊपर। तो गाइस ये मंदिर है, ये प्रॉपर पहाड़ के ऊपर है, तो हम लोग प्रॉपर जो है पूरा ट्रैक होने वाला है। हाँ, आगे सीढ़ियाँ भी मिलेंगी। सीढ़ी भी है, तो पूरा प्रॉपर मस्त मजे आने वाले हैं सुबह सुबह। कितनी कह रहे भाई, 151। कम निकली तो तुम्हें ऊपर से फेंक दिया जाएगा। नहीं मतलब काउंट कभी की नहीं है, बट इतनी हो सकती है। काउंट कर रहे हो ना आपके? नहीं हाँ कर रहे हैं, अभी तो 12 हो चुके हैं। क्यों भाई सुजल भाई, सही है कि नहीं? सही है। गलत बताया करे तो इसको फेंक देंगे अपन ऊपर। और भाई कल लाइट कितनी मस्त जल रही थी ऊपर। हाँ ऐसा कोई क्लब वगैरह की लाइट जल रही है। हाँ मैंने तो वीडियो भी बनाई हुई है, मैं क्लिप ऐड कर दूंगा इसमें। यूट्यूब चैनल है आपका, कितने फॉलोअर हैं? हाय तो करो। क्या बोला तूने? 1 मिलियन वाले भैया। बस कर जा भाई यार, बेइज्जती हो रही है भाई, बेइज्जती हो रही भाई फ्री फंड के। इट्स नॉट अ बेइज्जती यार, वो कैसे हाय हाय कर रहे थे, मतलब उनके हाय हाय करने वो पतली कमरिया वाले मीम को याद कर रहे थे। पता भी नहीं चला भाई आ गए अपन तो इतने जल्दी। अच्छा यहाँ मुझे लग रहा है रात में और ज्यादा मस्त लगता होगा, ये पूरा प्रॉपर लाइट वगैरह इन्होंने लगाई हुई है हर जगह। था भाई तो यहाँ पे मंदिर के अंदर जो गर्भगृह है वहाँ पे लड़कियों को अलाउड नहीं है, सिर्फ लड़के जाते। अच्छा मतलब वो लोग सिर्फ बाहर से कर सकते हैं? हाँ, लड़के सिर्फ बाहर से कर सकते हैं, वो लड़के अंदर तक जा सकते हैं, इस मंदिर से क्रम। अच्छा पिछले शॉट में तुमने वो बोला, उसमें कुछ तुम चेंजमेंट करना चाहोगे? हाँ हाँ, हम एक चेंजमेंट करना चाहेंगे, यहाँ पे लड़कियाँ अलाउड नहीं है, बट ऐसे जो मैरिड कपल हैं वो आ सकते हैं, मतलब मैरिड वुमेन जा सकते। वाह यार काफी मस्त बना होगा यार ये। तुम लोग तो पहले भी आए हो ना यहाँ पर? हाँ काफी बार आए है ना। अच्छा आओ। ये यार पानी की आवाज आ रही है, क्या है? हाँ हाँ, ये हिंजेवाड़ी का वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है। अच्छा ये सही है यार, फर्जी तो नहीं है ये वाली बात? सही में है, देखना उधर यहाँ से देखना क्लियर। हाँ लग तो ऐसे ही कुछ रहा है, ये यहाँ से जाके उधर आके उधर उसमें क्लोरीन वाला टैंक है, वो फिल्टर हो गया फिर सप्लाई होता है। तुम गए थे क्या विजिट करने अंदर जाना? तो तुम्हें ये कैसे पता कि वही क्लोरीन वाला टैंक? मैंने इसके बारे में बताया था। अच्छा काफी बढ़िया सजाया यार, मस्त लग रहा है मंदिर। दोस्तों काफी प्यारा बनाया हुआ है मंदिर, और मतलब आजकल कुछ यहाँ पर लग भी रहा है मुझे, क्योंकि कल रात में जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर लाइटिंग वगैरह हो रही थी, तो उसी चक्कर में कुछ बढ़िया सजा हुआ है, कुछ ओकेजन है यहाँ पर, जिस वजह से और भी ज्यादा प्यारा लग रहा है। जो ओकेजन की बात कर रहे थे वो ये है गाइस, लेकिन ये मराठी में है, तो कैसे तुम्हें आती है? तुम तो महाराष्ट्र की हो ना, बताओ समझाओ क्या है ये, क्या है कल था ये? अच्छा अच्छा अच्छा। और यहाँ से गाइस पूरा प्रॉपर व्यू आ रहा है। खैर ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगों की वजह से ज़्यादा दूर का तो नहीं दिख रहा है, पर जितना है उतना यही है। और कोई ज्ञान जो आप देना चाहेंगे
हासिल इतना बहुत है मेरे हिसाब से, मुझे भूख लग रही है। नीचे नीचे चल के थोड़ा वेट करते हैं, यहाँ पर भी थोड़ा रुकने वाला एरिया है। ओनली फॉर बॉयज, धार्मिक ग्रंथ ही है केवल, यहाँ तो नहीं है वो वाला सेशन। नहीं, वो नहीं है। तो गाइस ये बता रहा है कि ये मतलब लाइब्रेरी है यहाँ की, और जितने भी धार्मिक ग्रंथ वगैरह हैं वो सब रखे हैं, मंदिर से जुड़ी जो भी पुस्तक है वो सब इधर रखे हैं। अच्छा अच्छा, तुम भी भाई फर्स्ट टाइम आए ना, तुम्हें कैसा लगा मंदिर? बढ़िया मंदिर है, बढ़िया लगा, प्लेस है। हाँ यार अच्छा लगा, आते रहना चाहिए यहाँ पर। क्यों, छोटा सा एक्सीडेंट ग्रस्त हो गई गाइस, ये सही है पैर के? नहीं है, वाह यार कितनी हंस के बता रही है एक्सीडेंट। अगर यहाँ कार भी आ जाती है, कार का सेपरेट रास्ता है, तो यहाँ से कार वगैरह आती है या पार्किंग। सो गाइस फाइनली हमारे दर्शन डन हो गए हैं, और आई डोंट नो ये ब्लॉग कैसा बना है, शॉर्ट एंड सिंपल सा, लेकिन इन भाई लोगों के साथ सबके साथ मजा आया आज काफी। मजा आया प्रतीक भाई के साथ सबसे, आया तो अपने ये ग्वालियर वाले ऋषभ भाई के साथ आया। तुम्हारे यहाँ भी गया था मैं भाई, ब्लॉग बनाया मैंने ग्वालियर फोर्ट। मैंने सुना था, देखता हूँ मैं उस वाले ब्लॉग को। सुना क्या था, मैं नहीं बताया तुझे? हाँ तभी तो आप ही के मुँह से सुना था हमने। ये भाई हमारे रांची झारखंड के हैं, देखो अब होपफुली अगले किसी ब्लॉग में भी मिले ये लोग। तो गाइस पीजी का प्लान कैंसिल हो गया है, क्योंकि हम लोग कहीं और निकल रहे हैं, तो हमने कहा फिर नाश्ता जो है यहीं पर कर लेते हैं। क्या मंगा रहे हो भाई? फिर जो भी लेना, मिर्च कम हो ऐसी चीज लेना। अरे तो मीठे वाले समोसे हैं। मीठे समोसे भी हैं भाई यहाँ? बाप रे, जलेबी फाफड़ा और मैं लूंगा समोसा। मैं भी समोसा चाट। दिस इज अवर ब्रेकफास्ट फॉर टुडे। ये भाई मुझे नई चीज लगी, स्वीट समोसा, इसके अंदर नारियल के कर्ड, ड्राई फ्रूट्स की स्टफिंग है। तुम ही ने बनाया क्या? नहीं, भाई बुरा ना मानना। सो गाइस अपना नाश्ता हो चुका है डन, और इतनी सारी चीजें मंगाई, पर हमारे ऋषभ भाई को स्वीट समोसा बहुत पसंद आया। पसंद आ गया अब मुझे, मैं रेसिपी भी पूछ के जा रहा हूं। और ये उसकी रेसिपी वगैरह सब पूछा है, और अगली बार से इसका बर्थडे कब आता है? 29 अप्रैल। चलो अप्रैल में तुम्हारे घर में यही बनेगा, ये मैं भिजवाऊंगा अपनी तरफ से। क्रेडिट वेडिट कार्ड रख लिए ना सारे? सारे हैं, HDFC, ICICI, SBI सब। ठीक है तो फिर ये बताओ किसको क्या क्या दिलवा रहे हो? क्या यार अभी देखते हैं, जिस पे जैसा ऑफर चलेगा। नहीं तुमने कहा नहीं था अभी सबको कुछ ना कुछ दिलवा रहे? देखो भाई मेरा बजट है 250 रुपए का, उसमें जो कुछ भी आएगा सबके लिए। तो 150 रुपया लेगा? मैं 150 रुपया देगा। दमदार है भाई हमारा, सबको एक एक आईफोन दिला रहा है यार। लेकिन बजट उसका 250 है सर। ये भाग रही है फिश स्पा कर रहे क्या भाई? सो गाइस फाइनली यूनिकॉर्न इज ओपन, चलते हैं देखते हैं। हमारे किस्मत के दरवाजे भी खुल चुके हैं। कौन सा दिला रहे भाई? इसको ये वाला चाहिए, आईफोन 14 प्रो मैक्स। देखा भाई झोला क्या क्या लिया भाई? अभी तो कुछ भी नहीं ले पाए हैं, क्योंकि डिस्काउंट जितना बताया था उतना नहीं था यहाँ पर, कुछ भी डिस्काउंट नहीं था। और अगर डिस्काउंट होता भी तो हमारी जेब में भी कुछ भी नहीं था। और 250 रुपए बजट में कुछ भी नहीं है, उन्होंने मना कर दिया। चलो भाई अब आज का मुझे लग रहा है काफी हो गया अपना। वही तो, मजा आया गाइस कि नहीं? इतने सैड वे में बोल रहे हो यार तुम, बहुत मजा आया। अजय ईशा की हंसी अब ऐसी है, ये दूर से भी हंसेगी पहचान जाएंगे कि ये है। सो गाइस हम लोग बहुत थक गए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं हम लोग बटरफ्लाई ट्रैम्पोलिन से अभी अभी आए हैं। वहाँ कुछ रिस्ट्रिक्शन की वजह से हम लोग व्लॉग कर नहीं पाए, पर बहुत मस्त जगह थी। कैसा लगा गाइस तुम लोग? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बस गजब टू बी वाज आदमी। सो गाइस वी आर बैक टू अवर पिमजी, और वाकई मजा आया जिन लोगों के साथ। भाई का शांतपन, इनका ये ठहकना जो आपने सुनी लिया, ये सारी चीजें मतलब जो है याद रहेंगे। अपने भाई का फर्जीपना। पिमजी का भी व्लॉग बनाएंगे एक दिन, ठीक है? बेस्ट पिमजी इन पुणे। लाइक का कलर, शेयर करो, ओ माय गॉड।